ट दिस इज रवि टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनुअल डीकोडिंग विद डी कोल इसे समझने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा एपीआई आपको सिर्फ दो टाइप का रेस्पॉन्स रिटर्न कर सकता है वन इज सक्सेस एंड द अदर इज फेलियर और इन दोनों रेस्पॉन्स को आप बहुत ही आसानी से डीकोड कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ जेसन डी कोडर एंड द डीकोडेबल प्रोटोकॉल बट लेट मी शो यू असन रेस्पॉस जहां चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है लेट सेम एन एपीआई रिटर्न यू द फॉलोइंग रेस्पॉन्स ऑन द लेफ्ट आई हैव अक्स रेस्पॉस एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव अ फेलियर रेस्पॉन्स इफ यू पे यू अटेंशन टू द डेटा की तो सक्सेस के केस में जो डेटा की है वो एक डिक्शनरी है एंड इन द केस ऑफ फेलियर जो डेटा की है इट इज अ स्ट्रिंग नाउ दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां सर्वर सेम की के लिए दो अलग टाइप रिटर्न कर रहा है इन वन केस इट इज अ डिक्शनरी एंड इन द अदर केस इट इज अ स्ट्रिंग नॉर्मली फेलियर के केस में इस डेटा की को नील होना चाहिए बट फॉर सम रीजन एपीआई टीम ने डिसाइड किया कि फेलियर के केस में जो डेटा की है इट इज गोइंग टू ब स्ट्रिंग अगर आपका ए ऐसा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है तो आई वुड टॉक टू ए पी आई डेवलपर्स एंड आज दम टू फिक्स दिस बिकॉज मुझे सिर्फ दो ही चीज चाहिए ये जानने के लिए इफ माई रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल और नॉट वन इज द सक्सेस की बिकॉज इफ द वैल्यू इज ट्रू देन दिस मीन्स द रिक्वेस्ट वॉज सक्सेसफुल एंड इफ द वैल्यू इज फॉल्स देन दिस मीन्स द रिक्वेस्ट वाज नॉट सक्सेसफुल और अगर ए पी आई रिक्वेस्ट अनसक्सेसफुल है तो मुझे रीजन जानना है जो मुझे एरर मैसेज की से मिल जाएगा लेट्स स्विच टू एक्सकोट टू सी हाउ जेसन डी कोडर विल रिएक्ट टू दिस टू स्ट्रिंग So over here I have the success Json data pass our success Json string app and just down below I have the failure Json data justcap pass failure Json string app and if you look closely Joe failure Json string je, uska jo data key it is a string and in the case of success it is a dictionary if I scroll below you can see I have a response model which is the user response and if I scroll down we have the code jo Json decode karta hai. and this is something which we have seen a lot of time in our API series so let me just go ahead and run the application and see what we get so over here we have got the email because i have printed the email and this is we are decoding from the success json data in the case of success everything is fine but the real problem arrives jabap failure json response code decode game. Okay. so let us do that so let me add failure json data over here save this stop this and let me run this again so we have got an error let us see what the error is एक्सपेक्टेड टू डी कोड डिक्शनरी बट फाउंड स्ट्रिंग डेटा इंस्टेड श्फ्ट ने बहुत ही क्लियर मैसेज थ्रो किए कंसूल पे एंड दिस मीन्स शिफ्ट का जैसन डी कोडर जब डी कोड कर रहा था तब उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसे एक डिक्शनरी वैल्यू मिले बट मिला एक स्ट्रिंग वैल्यू और इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाए कि उसको करना क्या है एंड दिस इज द रीजन वाइट थ्रू एन एक्सेप्शन इन फेलियर जेसन लटमी स्क्रॉल अपर लिटल ओके इन फेलियर जैसन जो डेटा की है एज यू कैन सी ओवर हि उसका जो वैल्यू है

मेजोरिटी ऑफ द केस इज फाइन बट क्योंकि यह एक स्पेशल सिनारियो है हमें इस इनिट फंक्शन में हमारी मैपिंग को मैन्युअली स्पेसिफाई करना होगा सो लेट्स डू दैट सो लेट मी गो बैक सोलेट इम्प्लीमेंट दूनिट फंक्शन लेटमी स्क्रॉल अपर लिटल इनिट फ्राम डी कोडर थ्रोस और यहां पर मैं कंटेनर बनाऊंगा विच इज इक्वल्स टू डी कोडर डॉट Key device over here we are going to use our coding keys and this piece of code can actually throw an error so we are going to use try so what this piece of code does is ki ye aapka jo json string which means data fetch based upon the coding keys that you have specified over here so let me just go ahead and add some code over here i would say self dot code is equals to container decode or code he, it is of the type int so we are going to use this इंड डॉट सेल्फ फॉर द की कोड और उसी तरीके से आप सक्सेस uh, मैसेज और डेटा के लिए भी कोड करोगे एंड सिंस दिस पीस ऑफ कोड कैन ऑल्सो थ्रो जस्ट एट ट्राई ओवर ही कुछ टू ट्राई कंटेनर डी कोड एंड सिंस सक्सेस इज बुलियन सो यू कैन यूज बुलियन डॉट सेल्फ फॉर द की success self dot message is equals to try container decode and this is of the type I think message is string string dot self for the type message and finally data is equals to try container डॉट डी कोड अब डेटा के केस में क्योंकि जो डेटा है वो कोई स्ट्रिंग या बुलियन नहीं है इट इज एक्चुअली अ टाइप विच इज यूजर और जो यूजर है इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम द डिकोडेबल प्रोटोकॉल सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज डी कोड यूजर डॉट सेल्फ फॉर द की डेटा और यहां पे मैं इसे ऑप्शनल बना रहा हूं द रीजन वाई एम मेकिंग दिस ऑप्शनल इज यहां पे मैं डिकोडर को ये कमेंट दे रहा हूं कि जब आप डेटा को डिकोड करोगे और अगर डी कोड करते वक्त आपको डिक्शनरी नहीं मिली तो इन दैट केस वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेट दिस डेटा एस निल। सो नाउ लेट्स गो एड एंड रन एप्लीकेशन वी हैव गॉट वन मोर एरर स्ट्रिंग वैल्यू मैसेज लेट्स सी दैट इज। ओके जो मैसेज है वी आर गेटिंग एरर मैसेज ओवर और यहां पे मैंने मैसेज यूज किया है सो वॉट वी कैन डू इन दिस केस इज हम यहां पे डीकोडर को ये कमांड देंगे कि अगर इट यू नो लाइक वेल डिकोडिंग इफ इट एनकाउंटर्स एरर मैसेज सेट द वैल्यू ऑफ एरर मैसेज टू दिस मैसेज नाउ लेट मी जस्ट गो गोड एन ओवर हियर यू गेट नील लेट मी चेंज इट टू सक्सेस जेसन डेटा एंड नाउ यू कैन सी हाइव गॉट द ई मेल आई डी अब ये जो सेम अप्रोच है वो एर के साथ भी काम करेगा सो लेट मी चेंज द डेटा स्ट्रक्चर ओवर हियर मेक इट एन एरे सो यहाँ पे जो यूजर है इसे हम एरे बना देते हैं एंड फाइनली वी हैव गॉट सम एरर ओवर ईयर सो लेट मी चेंज दिस टू एन एरे डेटा डॉट फर्स्ट डॉट ईमेल सो नाउ लेट मी रन दिस आपको most of the time करने की जरूरत नहीं पड़ती बट कुछ क्रिएटिव इस तरीके का रेस्पॉन्स को चेंज करने से तो यू डोट टू राइट मल्टीपल लूपोडर को बस थोड़े से इंस्ट्रक्शन देने अगर के साथ बात करके आप रेस्पॉन्स कर सकते हो तो इट विल वेल एंड गुड बट इफ नॉट तो नाउ एटलीस्ट यू नो देर इज अ वे टू हैंडल सिनारी लाइक दिस आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल एंड इफ इट वॉस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड इफ यू न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब और अपने आई ओ एस ग्रुप के साथ भी इस चैनल को शेयर करें जो कोड है यू कैन गटेट इट फ्रॉम गेटअप एंड गूगल ड्राइव जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया है दैट बिंग सेट दिस इज रवी सी यू नेक्स्ट टाइम बाय